हेलो दोस्तों, इस एपिसोड में ऐसे एक मंदिर जो वृंदावन धाम में है सबसे बड़ा, अब चली आई हूँ विष्णु भगवान जी का मंदिर रंगजी मंदिर देखने के लिए। आप लोगों ने मेरे का साथ दर्शन कीजिए। 1851 ख्रीष्टाब्द में लक्ष्मी चांद जी का भाई गोविंद दास और कृष्णदास द्वारा ये मंदिर निर्माण किया गया। ये मंदिर तैयार करने के लिए 45 लाख रुपया लगा था। सोचिए उस टाइम पे इसका वैल्यू कितना था। जिस टाइम पे 1 पैसा का वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। ये मंदिर दक्षिण भारतीय द्राविड़ शैली में बनाया गया। उस समय जो भारत का ब्रिटिश शासन था, रंगजी मंदिर तमिलनाडु का रंगनाथ स्वामी टेम्पल का आदल में द्राविड़ शैली में बनाया गया। ये मंदिर घूमने का टाइम फीलिंग ऐसे होता है जैसे दक्षिण भारतीय का मंदिर तरह। ये मंदिर का पुजारी दक्षिण भारतीय का ही होता है। ये मंदिर का पूजा का कार्यक्रम जो होता है ये भी दक्षिण भारतीय का तरह होता है। ये मंदिर गर्भगृह जाने के लिए 7 दरवाजा होता है। 7 दरवाजा को बैकुंठ दरवाजा कहता है। उससे 1 दरवाजा साल में 1 बार खुलता है जो बैकुंठ एकादशी में। इस मंदिर में गावर हिंदू को प्रवेश माना है। गावर हिंदू केवल आंगन तक ही जा सकते हैं। सामने जो दरवाजा है उसको मीनाक्षी दरवाजा कहता है। चलिए आप लोगों को अंदर लेके चली जा रहा हूँ। मंदिर में लक्ष्मी चांद जी सिर्फ 40 मन सोने और 100 मन चांदी दान किया था। ये जे दिखा रहा है ये सोने का खंबा, ये सोने का खंबा 12.5 मन सोने से निर्माण किया गया था। ये सोने का खंबा के लिए इस मंदिर को सोने का खंबा मंदिर कहता है। सारा मंदिर कलाकृति से भरी हुआ है दक्षिण भारतीय शैली में। इस मंदिर का दर्शन दूर से ही होता है। गर्भगृह तक कोई नहीं जा सकता है। इस मंदिर में स्थित भगवान विष्णु भगवान छोड़ के बालाजी दक्षिण भारत से, ब्रह्मा जी, राम, लखन और सीता माता और लक्ष्मी माता भी मंदिर में स्थित है। ये मंदिर वृंदावन मार्केट से डायने आने पड़ेगा। सुबह 8 बजे ये मंदिर खुल जाती है। मंदिर आप लोगों ने लोकल साइट सीन में घूम सकते हैं। मेरे का नेक्स्ट वीडियो में कैसे पूरा वृंदावन अच्छा से घूम सकते हैं कम टाइम में, वो पूरा डिटेल्स में लेके आऊँगा। वो वीडियो देखने के लिए मेरे का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिए। कैसे आएंगे ये मंदिर, पहले मथुरा आइए, उसका बाद मथुरा से वृंदावन, मथुरा से वृंदावन 15 किलोमीटर। ये 15 किलोमीटर आप लोगों ने टोटो, ऑटो, कार हायर करके और बस में भी आ सकते हैं। ये मथुरा भारत का बहुत स्टेशन से ट्रेन आ रही है और दिल्ली होकर भी आ सकते हैं। दिल्ली ट्रेन से और फ्लाइट में आ सकते हैं। दिल्ली से ट्रेन, कार हायर और बस में भी आ सकते हैं। दिल्ली से 3-4 घंटा लगता है कार में। दिल्ली से लोकल ट्रेन 3-4 घंटा लेते हैं। एक्सप्रेस सुपर फास्ट मेल ट्रेन भी अवेलेबल है दिल्ली से। इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है। और आप लोगों ने आगरा से भी आ सकते हैं। आगरा फ्लाइट और ट्रेन में आइए। आगरा से बस, कार और बस में भी आ सकते हैं। ये मथुरा आगरा से वृंदावन 70 किलोमीटर अप्रॉक्स, ये आने के लिए 1.5-2 घंटा लगता है। आज इतने ही तक।